नमस्कार, नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, आपका अपना शो क्राइम शो 100 नंबर लेकर। 100 नंबर लोगों का भरोसा है, जहां हर वारदात की दस्तक, हर अपराध के पहलू और हर खौफनाक तस्वीर का लेखा जोखा होता है, और उसी भरोसे को कायम रखते हैं हम। 100 नंबर पर करते हैं हर वारदात के पीछे छुपे गुनहगारों को बेनकाब, न केवल बेनकाब बल्कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की भी होती है कोशिश। आज 100 नंबर में उठाएंगे पर्दा उस गुनाह से जिसके पीछे छिपे हैं अपनों के चेहरे। तो कुछ हैं समाज के गुनहगार, आपको करेंगे आगाह हर वारदात से। देखते रहिए 100 नंबर। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच धीरे धीरे नतीजों की तरफ बढ़ने लगी है। बजरंगी की पत्नी के आरोपों के बाद हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी पुलिस धनंजय सिंह से वारदात के तार जोड़कर भी जांच कर रही है, जिसके बाद मामले में एक सनसनीखेज बात भी सामने आई है। कहा जा रहा है खाकी के हाथ वारदात का पूर्वांचल कनेक्शन भी लगा है। सुनील राठी तो बस एक मोहरा है, जिसे बजरंगी को मारने के लिए 10 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई। सियासत में हाथ आजमाने वाला था मुन्ना। जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाला था मुन्ना। दस करोड़ की सुपारी देकर हुआ मुन्ना का कत्ल। सियासत में मुन्ना की एंट्री से किसको था डर? बताया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर बजरंगी को मौत के घाट उतारा गया है। 2019 में जौनपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा मुन्ना बजरंगी एक नेता के आड़े आ रहा था, जो कत्ल की बड़ी वजह बनी। बजरंगी के लोकसभा चुनाव लड़ने की चाह और एक बाहुबली से उसकी वर्चस्व की जंग भी जांच के दायरे में है। बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह बाहुबली पर हत्या कराने का आरोप भी लगा चुकी है। चर्चा ये भी है कि कुख्यात सुनील राठी पूर्वांचल में अपनी पैठ बनाना चाह रहा था, इसलिए उसे भी साजिश में शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक जेल में बजरंगी की हत्या से एक दिन पहले जौनपुर के एक बैंक से करीब 7 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। 3 करोड़ रुपए वहीं के दूसरे बैंक से निकाले गए, लेकिन 10 करोड़ की सुपारी का जिक्र जांच में शामिल किया गया। पुलिस जौनपुर में बैंक खातों की डिटेल निकलवा रही है। जरायम की दुनिया का डॉन सियासत में खाया मात। गैंगवार में नहीं सियासत में गई बजरंगी की जान। अधूरा रह गया सियासत में दांव आजमाने का ख्वाब। पत्नी ने लगाए थे बाहुबली नेता पर हत्या के आरोप। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने बताया था कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से मुन्ना एक बाहुबली नेता की आंखों की किरकिरी बन गया था। इसी बात को लेकर सीमा सिंह ने पति मुन्ना बजरंगी की हत्या की आशंका जाहिर की। सीमा सिंह ने हत्या में एसटीएफ के एक बड़े अधिकारी पर आरोप भी लगाए। मुन्ना की पत्नी के आरोपों के बाद पुलिस पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है कि राठी को सुपारी देकर ही हत्या कराई गई। पुलिस की दूसरी जांच राठी के भाई के साथ झांसी जेल में मारपीट के बिंदु पर भी आगे बढ़ रही है। आईजी मेरठ के मुताबिक पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। सीमा सिंह के आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। जितनी चीज़ें हमने बताई थी, बागपत ले जाया जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ किया गया। शासन प्रशासन सब साथ मिलकर, बाकी पहले भी हमने कहा था, हमारे भाई की हत्या में भी जिन लोगों का हाथ था हमने बताया था। कुछ खुद एसटीएफ ने भी ये चीज़ कहा था कि जो है
हाँ उन लोग इसमें संलिप्त हैं। धनंजय सिंह, पीके सिंह बनारस में रहने वाले और उनके पिता जैन सिंह हैं, इन लोग कहा थे। सुशील सिंह भी हैं उसमें, साथ दे रहे हैं। बाकी इस सरकार के कुछ नेता, विधायक और उच्च अधिकारी सब मिलकर सबने अपने काम को अंजाम दे दिया। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या के बाद से सुनील राठी का खौफ जेल के अंदर दिखाई देने लगा है। जेल में बंदियों से लेकर बंदी रक्षक और जांच अधिकारी तक सुनील राठी के पास जाने से डर रहे हैं। एक जांच अधिकारी ने उसकी बैरक में बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट जाने से मना कर दिया। उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाई गई और कड़ी सुरक्षा में सुनील राठी की बैरक में ले जाया गया। क्राइम डेस्क, नेशनल वॉइस। एक सिर्फ रे आशिक को इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने पूरे भोपाल को हिलाकर रख दिया। एक तरफा प्यार में पागल युवक एक मॉडल के फ्लैट में घुस गया, फिर उसने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की सांसें तक थम गईं। पूरे जिले की पुलिस उसे कई घंटों तक मनाती रही, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं निकला जब तक उसने मॉडल से शादी का एफिडेविट साइन नहीं करा लिया। करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस मॉडल को मुक्त कराने में कामयाब रही। भोपाल के मिसरौद इलाके में एक तरफा प्यार में पागल एक सनकी आशिक ने ऐसी दहशत फैला रखी है कि उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से लेकर पुलिस प्रशासन तक परेशान है। कई घंटों से सनकी आशिक एक मॉडल को उसी के फ्लैट में बंधक बनाकर रखता है और उसे बाहर निकालने के लिए शादी करने की शर्त रखता है। इतना ही नहीं, जोर जबरदस्ती करने पर वो लड़की को गोली मार देने की धमकी देता है। एक तरफा प्यार में उठाया खौफनाक कदम। हेलो दोस्तों, मैं रोहित रीगल सिंह, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश मुंबई में एक्टिंग करता हूँ, और मेरी फ्रेंड विवा श्रीवास्तव भोपाल से। मॉडल के फ्लैट में घुसा सन की आशिक। दोनों एक अच्छे दोस्त थे और एक अच्छे प्यार करने वाले नाम के निशान। सन की युवक ने मॉडल को बनाया बंधक। ये पुलिस ने किया है, जो कुछ भी किया है, यहाँ मिसरौद पुलिस चौकी है और उसका थाने का इंचार्ज है। मुंबई में मॉडलिंग कर चुका है सन की। चारों इस समय मैं भोपाल में हूँ और मेरे को चारों तरफ से घेर रखा पुलिस ने। इस समय मैं यहाँ पर रूम में बंद हूँ। पुलिस ने मेरे को घेर रखा है। दहशत की ये तस्वीरें सुबह करीब 7 बजे की हैं, जब पहली बार BSNL के पूर्व AGM ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बेटी को बंधक बना लिया गया है। एक युवक उनकी बेटी के कमरे में उसे बंधक बनाए हुए है। इस जानकारी के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो लड़के ने एक SI पर कैंची से हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उसके पास कट्टा और चाकू भी है। लड़के की पहचान रोहित सिंह के रूप में हुई है। रोहित अलीगढ़ का रहने वाला है और मुंबई में मॉडलिंग करने गया था। यहां युवती से उसकी मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि लड़का लंबे वक्त से शादी करने का उस पर दबाव बना रहा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद सन की रोहित ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए स्थानीय पुलिस को विलन बताया है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू की कोशिश के दौरान उसने खुद को घायल किया और लड़की को भी चोट पहुंचाई। बंधक लड़की BSNL के पूर्व AGM की बेटी है। SI पर हमला करने के कुछ देर बाद ही उसने पानी और कॉटन की मांग की थी, जिसे बाल्टी के जरिए 5वीं मंजिल तक पहुंचाया गया। इसके बाद उसने विक्ट्री साइन और कलाई दिखाई। पुलिस के मुताबिक युवक धमकी दे रहा है कि अगर कोई उसके पास आया तो वो लड़की को गोली मार देगा। लड़की जो है बेहोश है और मीडिया कर्मियों के सहयोग से हमें जो लाइव इन लोगों ने वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया है उसमें वो बेहोश दिख रही है। एक सज्जन ने ये कहा कि वो करवट भी ले रही है, उसने कहा पैर भी हिला रही है, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसीलिए उसको हम सहयोग कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाए और लड़की की जान बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित मीडिया से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात कर रहा है।
उसने युवती से विवाद के बाद बंधक बनाने की बात कही। मॉडल के परिवार का कहना है कि युवक 7 बजे ही कमरे में घुस गया था। लड़के ने शर्त रखी है कि जब तक उसके पिता नहीं आते वो दरवाजा नहीं खोलेगा। पुलिस ने बताया कि युवक के पिता अलीगढ़ से भोपाल के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल दरवाजा तोड़ने को लेकर पुलिस ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच एक वीडियो कॉल में लड़की नजर आई। रोहित ने दावा किया कि लड़की ठीक है और दोनों ने शादी के लिए स्टैम्प पेपर साइन किए। फिलहाल पुलिस लगातार रोहित से बात करके फ्लैट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही है। लड़की ने ही शिकायत की थी कि मेरे कमरे में घुस गया है, तो 452 का मुकदमा जनवरी के महीने में कायम हुआ था, गिरफ्तार हो गया था और उसके खिलाफ कार्रवाई विधि अनुसार की गई थी और जमानत पर छूटने के बाद उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक भी कार्रवाई की गई थी। और वो अभी आज सुबह 6 बजे लड़की ने उसको दरवाज़ा खोला, क्या खोला अभी लड़की ही बता पाएगी। माँ बाप का कहना है कि हम तो खोले नहीं, लड़की ने खोल दिया और वो उसको लेके कमरे में बंद हो गया। मॉडल के साथ रोहित के विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रोहित लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में जेल जा चुका है। लड़की ने फरवरी में रोहित के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ की शिकायत मिसरोद थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अगले ही दिन उसे जमानत मिल गई। क्राइम डेस्क, नेशनल वॉइस। सूबे से अपराध को खत्म करने के लिए पुलिस की एनकाउंटर मुहिम अब सवालों के घेरे में आने लगी है। पुलिस अभी तक कई ऐसे एनकाउंटर कर चुकी है जिसको लेकर उसकी किरकिरी हो चुकी है। इसी तरह का एक और मामला अंबेडकर नगर पुलिस का सामने आया है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंबेडकर नगर पुलिस के मुताबिक उसने 1 जुलाई की रात को जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश प्रवीण दुबे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसके बाद इनामी बदमाश की गिरफ्तारी से जहांगीरगंज पुलिस के अलावा जिले के एसपी संतोष कुमार भी काफी खुश हुए। अंबेडकर नगर पुलिस की इस उपलब्धि की सूचना यूपी पुलिस की सोशल साइट ट्विटर तक पहुँचाई गई, जहाँ शासन में बैठे आला अधिकारियों ने अंबेडकर नगर पुलिस की जमकर तारीफ की। लेकिन एक बात जो अंबेडकर नगर पुलिस को सवालों के घेरे में ला रही है वो है पुलिस का इतने बड़े गुडवर्क का मीडिया से जिक्र तक न करना। गुडवर्क के बाद ना तो जिले के एसपी संतोष कुमार मीडिया से रूबरू हुए और ना ही कोई उनका अधीनस्थ अधिकारी। मीडिया को इस गुडवर्क की जानकारी पुलिस कर्मियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी जाती है। थाना जहांगीरगंज की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1/2 की रात्रि में मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामिया बदमाश, उसको थाना जहांगीरगंज की टीम ने सीओ आलापुर के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। ये एक शातिर 50,000 रुपए इनामिया बदमाश है। हमारी टीम को इसके बारे में सूचना मिली, घेराबंदी की गई और घेराबंदी के बाद मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ। इस बदमाश का नाम है प्रवीण दुबे। पुलिस की यह कार्यशैली समझ से परे होने पर जब इस खुलासे की गहनता से पड़ताल की गई तो जो तथ्य सामने आए वो इस एनकाउंटर में पुलिस का खेल दिखा रहे थे। पुलिस की कहानी के मुताबिक प्रवीण दुबे नाम के नामी बदमाश की गिरफ्तारी जहांगीरगंज पुलिस ने 1 जुलाई की रात को मुठभेड़ के दौरान की और उसे 2 जुलाई को जेल भेज दिया गया। लेकिन तथ्यों के आधार पर इनामी बदमाश की गिरफ्तारी पुलिस ने 1 जुलाई को दिन में 4:15 पर कर ली थी, जिसकी पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो रजिस्टर कर रहा है जिसमें आने वाले मरीजों या घायलों का पूरा ब्यौरा दर्ज किया जाता है। अस्पताल में मौजूद इस एंट्री रजिस्टर के मुताबिक 1 जुलाई को इनामी बदमाश प्रवीण दुबे को दिन में 4:15 पर जहांगीरगंज थाने की पुलिस घायल हालत में लेकर पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद अपने साथ लेकर वापस चली गई। यहाँ पुलिस की कहानी में एक और झोल सामने आया है, वो ये कि पुलिस 2 जुलाई को दोबारा गिरफ्तार बदमाश को लेकर उसी सरकारी अस्पताल पहुंची और दिन में 11:40 पर मेडिकल करवाया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अधीक्षक जहांगीरगंज डॉक्टर उदय चंद यादव द्वारा पता किया गया तो उन्होंने बताया कि प्रवीण कुमार दुबे पुत्र अरुण कुमार दुबे को
पुलिस कस्टडी में पहली तारीख को लाया गया था और जिनको उपचार करने के बाद जो है छोड़ दिया गया था। वो भी चार के आसपास, शाम को चार के आसपास लाया गया था। आमतौर पर जिले के एसपी संतोष कुमार वारंटियों तक के पकड़े जाने पर भी बकायदा पीसी करते हैं, लेकिन एक हाई प्रोफाइल खुलासे को गुपचुप रखने के पीछे पुलिस का क्या इरादा है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। मसलन जब पुलिस गुडवर को पुलिस के ट्विटर पर बता सकती है तो फिर मीडिया में क्यों छिपाया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की चाल कुछ और थी जिसमें वो नाकाम रही? चाल के खुलासे के डर से पुलिस आरोपी को मीडिया के सामने नहीं लाई? ऐसा क्या है जिसकी वजह से पुलिस मीडिया से बचना चाह रही थी? अम्बेडकर नगर से आशाराम वर्मा, नेशनल वॉइस। पति पत्नी का बंधन दो इंसानों के बीच का सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। यही वो रिश्ता है जिसमें लोग सात जन्मों तक एक दूसरे की हिफाजत करने और साथ निभाने की कसम खाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग न केवल अपनी कसमों को तोड़ते हैं बल्कि हैवानियत की तस्वीर भी पेश करते हैं जिसे देखने वालों की रूह कांप उठती है। लालच और नशा इस कदर लोगों को शैतान बना देता है जिनकी हैवानियत के आगे उनका कोई अपना ही जिंदगी हार जाता है। आपके सामने मौजूद ये दो तस्वीरें उसी हैवानियत की कहानी कह रही हैं, जिसकी कीमत इन तस्वीरों में दिख रही दोनों महिलाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। किसी की जिंदगी पर नशा भारी पड़ा तो किसी के लिए उसकी जिंदगी से महंगी मोटरसाइकिल साबित हुई। किसी की जिंदगी पर भारी नशा तो किसी की बाइक से सस्ती जिंदगी। लालच और नशा जिंदगियों पर भारी। वारदातों से कलंकित हुए पवित्र रिश्ते। ये दोनों ही वारदातें बदायूं जिले से सामने आई हैं, जिसमें से पहली वारदात जिले के बिलसी थाना क्षेत्र के बन्नी गांव की है। यहां के रहने वाले यादवेंद्र उर्फ बॉबी की शादी हरिचरण की लड़की मंजू से 3 साल पहले हुई थी। दहेज का लालची यादवेंद्र अक्सर पत्नी को प्रताड़ित करता था। आरोप है कि यादवेंद्र और उसका परिवार दहेज में एक सोने की चेन और बाइक की डिमांड करते थे। कई बार यादवेंद्र ने दहेज के लिए मंजू की पिटाई भी की। बीते गुरुवार को मंजू ने फोन पर प्रताड़ना की बात अपने घर वालों को बता रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती यादवेंद्र ने उससे फोन छीन लिया। आरोप है कि फिर अगले दिन मंजू की मौत की खबर मिली। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों के मुताबिक मंजू के ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। मेरी बेटी को सब गला दबा के मार दे इन लोगों ने। क्यों मारा? सब जे 6 महीने से वो मांगा था मोटरसाइकिल और एक लर एक अंगूठी। एक मैंने पहले शादी में दे दी इनके लिए मोटरसाइकिल डिस्कवर। अब मांग रहे वो शशि पल, वो बोलता घर पल्सर अपाची है पल्सर, वो मांग रहे 6 महीने से मार रहे रोज लड़की को। तीसरे दिन चौथे दिन लठिया बताई। थाना बिलसी क्षेत्र में एक लगभग 25 साल की महिला है, उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, इसकी मृत्यु हुई है। इसमें घर वालों ने इसके लड़की के जो घर वाले हैं उन्होंने परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है दहेज हत्या का। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी कार्रवाई की जा रही है इसमें। वहीं दूसरी दिल दहला देने वाली वारदात बदायूं के ही बिनावर थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली विनीता की शादी 9 साल पहले अवधेश से हुई थी। इन 9 सालों में विनीता ने जिंदगी की हर मुश्किल को देखा था। शादी के बाद से ही उसे जानकारी हो गई थी कि उसका पति शराब का लती है। धीरे धीरे शराब को लेकर विनीता और अवधेश के बीच विवाद होने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि शराब के नशे में धुत अवधेश घर आता और पत्नी विनीता की पिटाई करता। आरोप है कि बीते गुरुवार को भी अवधेश शराब के नशे में घर पहुंचा था। इस बात को लेकर विनीता ने उसका विरोध किया तो अवधेश ने
नशे की हालत में उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। विनीता की मौत से बौखलाए अवधेश ने रात के ही वक्त आनन फानन में लाश को ले जाकर गंगा किनारे जला दिया। लेकिन इससे पहले कि लाश पूरी तरह से जल पाती, विनीता के घर वालों को पड़ोसियों ने इस बात की सूचना दे दी, जिससे वो मौके पर पहुंच गए और बेटी जल रही लाश को बुझाया। परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आज जली लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हमारी भतीजी साथ हुआ साहब, उन्होंने जबरदस्ती गला घोटा दिया उसका। हमारे भतीजे को वो गांव से पकड़ लाए थे कि कहीं भी सूचना नहीं मिल जाए इन लोगों को। उस चक्कर से उसे पकड़ के बंद कर लिया मकान में। उसने रोवा पिटाया, उनके घर पे किया, उन्होंने मुंह पकड़ लिया। सूचना हमें मिली, हमारे भतीजे ने हमको फोन किया था, तब सूचना मिली थी। आप पहुंचे? हम पहुंचे थे वहाँ। क्या था वहाँ? वहाँ पे पुलिस वालों ने लाश निकाली थी, चैला फेंके थे, गद्द भी फेंकी थी, उसकी मिट्टी निकाली थी। थाना बिरावर क्षेत्र में एक महिला की डेड बॉडी को आज निकाला गया, उसकी चिता जल रही थी। उसमें से उसके भाई ने शिकायत ये की थी कि हमारी बहन की हत्या कर दी गई है। इसमें जो मौके की बात है वो ये है कि हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन डेड बॉडी को फिलहाल निकाल लिया गया, पीएम के लिए भेज दिया गया है। जैसा पीएम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उसमें कार्रवाई करा दी जाएगी। ये वारदातें बता रही हैं कि नशा हो या फिर लालच, दोनों ही खुशहाल घरों को लूटने के लिए काफी है। जबकि दहेज के खिलाफ लड़ने के लिए कानून भी मौजूद है, फिर भी हर रोज दहेज हत्या की वारदातें पूरे समाज को डरा रही हैं, जिससे साफ है कि इन वारदातों को रोकने के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि खुद समाज के लोगों को भी पहल करनी होगी, जिससे हर घर की बेटी महफूज रह सके। नेशनल वॉइस के लिए बदायूं से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर भले ही कड़े कानून बनाए गए हों, लेकिन रेप की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पुलिस के दावे कुछ और हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। दरिंदों ने पहले एक लड़की को नौकरी का झांसा दिया, फिर उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। पिता बेटी को दरिंदों के चंगुल से तो बचा लाया है, लेकिन यूपी पुलिस और उसकी कार्यशैली से हार गया है। देखिए योगी सरकार की आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट। कितने दिन से भटक रहे? एक महीना हो गया। हमारी सुनवाई की जा रही है, तब हम दोनों लोग जो है बेटी और बाप आत्महत्या कर लेंगे। आपने इस बेबस पिता का दर्द सुना और कार्रवाई न होने पर जान देने की धमकी भी सुनी। सच भी है कि आखिर एक बेबस पिता इससे ज्यादा और क्या कर सकता है। उस पिता की हालत का अंदाजा लगाइए जिसकी बेटी रातों रात गायब हो गई और फिर कई दिनों बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर से उसे बचाने के लिए फोन आए। एक पल में किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा, लेकिन इस पिता ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी बेटी को लेने मुंबई गया। वहां पहुंचकर इसे जो जानकारी मिली वो और भी खौफनाक है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी को कुछ लोग सेक्स वर्कर्स को बेचने की फिराक में थे। किसी तरह बेबस पिता अपनी बेटी को लेकर घर वापस लौटा और बेटी को न्याय दिलाने का हौसला दिखाया, लेकिन उसका हौसला एक महीने से लगातार दौड़ भाग करने के बाद भी कार्रवाई न होने से पस्त होने लगा है और अब वो जीने की चाहत छोड़ रहा है। और इन सब का कारण है पुलिस की लापरवाही। बेटी के साथ आत्महत्या करने की धमकी, कार्रवाई न होने से पिता ने दी चेतावनी, दबंगों ने बेटी को बंधक बनाकर किया गैंगरेप, मुंबई में बेटी को बेचने की फिराक में थे दबंग। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली के दुगरेई गांव की रहने वाली इस छात्रा को देखिए, जिसे नौकरी का झांसा देकर दरिंदों ने पहले कानपुर ले जाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और फिर जब मन भर गया तो बेखौफ दबंग से बेहोश कर मुंबई ले गए। वहां भी इसके साथ गैंगरेप की वारदात को दोहराया गया, फिर आरोपियों ने लड़की को बेचने तक की कोशिश की। कई दिनों से बंधक बनी लड़की एक दिन मौका पाकर आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और सीधे मुंबई के कल्याण थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पुलिस ने मामले की जानकारी लड़की के घर वालों को दी और वो उसे मुंबई से बिंदगी ले आए।
इस बात को धीरे धीरे एक महीने का वक्त बीत चुका है और इस एक महीने में पीड़ित परिवार ने पुलिस के हर अधिकारी की चौखट का दरवाजा खटखटा लिया है। पीड़ित की शिकायत पर केस तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन आज तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे गांव के अंकित पटेल और उसके दो दोस्त गाड़ी लेकर आए और जो है हमको जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिए और यहाँ से हमको बेहोश करके कानपुर ले गए और कानपुर में इन लोगों ने अपने दोस्तों के रूप में रखा और हमको वहाँ पे नशीली दवा देके हमारे साथ बलात्कार कर तीन लोगों ने। फिर इसके बाद वहाँ पे हमको बलात्कार करते रहे मेरे साथ बराबर और फिर हमको वहाँ पे रखे कुछ दिनों तक। इसके बाद हमको फिर मुंबई नशीली दवा खिला के मुंबई तक ले गए। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़िता इलाहाबाद में हॉस्टल में रहकर एसएससी की तैयारी कर रही थी, तभी उसके गांव के अंकित ने फोन कर एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के बहाने कानपुर बुलाया था, जहां आरोपी ने अपने साथियों के साथ उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वो इलाहाबाद में कोचिंग में पढ़ती थी, जहां उसके साथी के द्वारा कानपुर बुलाया गया और कानपुर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसके बॉम्बे ले जाया गया। इस संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बिंदकी थाने में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें संबंधित विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। बंधक बनाकर गैंगरेप जैसी वारदात पर पुलिस की ऐसी लापरवाही शर्मनाक है। पुलिस की इसी लापरवाही का नतीजा है कि दबंग पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि दबंग परिवार के रिश्ते सत्ताधारी दल के विधायक से भी हैं, जिसकी वजह से पुलिस आरोपियों पर हाथ डालने में कतरा रही है। फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा, नेशनल वॉइस। सौ नंबर पर फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर कुछ और चेहरों को करेंगे बेनकाब, सामने लाएंगे गुनाह की कुछ और तस्वीरें। तब तक रहिए सतर्क और सुरक्षित। जय हिंद।